पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड इस समय बाढ़ से त्रस्त है। इस दौरान हर तरफ बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं केसरिया के ढेकहा गांव समेत कई गांव का अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। उसी बाढ़ से प्रभावित ढेका निवासी उज्जैन साहनी की पुत्री की शादी विवाह का माहौल है। बताते चले कि ढेकहा गांव चारों तरफ से बाढ़ से जलमग्न हो गया है और दूसरी तरफ बाढ़ के पानी के बीचों बीच स्थित उज्जैन साहनी का घर है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। उसमें नाव से बारात उनके दरवाजे पर पहुंची। यह प्रखंड की अनोखी शादी है जिसमें दूल्हा और बाराती दोनों नाव से पहुंचे। बारात कहां से आ रहा है आपका? झोकिया से। मोतिहारी झोकिया। मोतिहारी झोकिया जी। बाढ़ जो है सी कब आया है? बाढ़ हम का तीन चार दिन होगा। चार दिन हुआ जी। शादी इसमें कैसे होगा? मैंने तो बहुत सारा प्रॉब्लम जी, बहुत दिक्कत है। घर में देखे पानी ढुका है, ये तो दिक्कत है। शादी क्यों हो रहा है? बारात यहाँ आपके दरवाजे पर कौन सी आएगा? डेंगी से आएगा। बरकना। अच्छा, कई गुना रखे हैं बारात लाने के लिए? दो बरकना है जी। आए को देखे पानी डरे पानी है ना, उसे झोंका तो बरकना पड़ेगा। बाल बहन की डेंगी बहन की देखा उसकी थी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ कुछ नहीं सूचना दिए हैं सीओ साहब को? आप प्रशासन को दिए हैं? सौ लोग काम जाता है, काम लोग बेटी का बहन के बारात है, तो कौन साधन किए था? सुनने सुनने के बाद आज आठ वार्ड में आठ नाव चल रही है। राहत के काज पर, राहत के नाम पर यही काज हुआ है। अभी अभी कुछ वार्ड में पोलोथीन का भी वितरण हो रहा है।